नमस्कार मित्रों, मैं अनिश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मार्च दिन शनिवार और आज के स्टूडियो में आपको दिखाने वाला हूं सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी विंध्याचल कॉरिडोर, और इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी से माँ विंध्यवासिनी का धाम जो एकाकार हो जाएगा, यानी आने जाने में काफ़ी सुलभ हो जाएगा। इसके लिए 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट की अगर लागत की बात करें 331 करोड़ की लागत से इसका काम चल रहा है और लगभग काम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब सिर्फ फिनिशिंग काम बचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि चैत्र नवमी में ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको बैक कैमरा दिखाते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये रास्ता, इससे चला जाएगा मिर्जापुर के लिए और वहीं ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये है कोतवाली गली, सामने है सत्संग कीर्तन भवन, हनुमान मंदिर विंध्याचल, और यहाँ तो देख सकते हैं ढलाई काम कर दिया गया है और इस पर भी अरहरा के गुलाबी पत्थर लगने बाकी रह गए हैं। काम जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहीं तो मुझे दिख रहा है, अभी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख सकते हैं रोड की चौड़ाई कितनी है, लगभग 35 से 40 फीट चौड़ाई किया जा रहा है। ये देख रहे स्तंभ है और ये भी कम्प्लीट कर लिया गया है काम। अब देखेंगे यहाँ पर चौड़ाई इतनी है, आगे जाकर ये चौड़ाई इतना सकरा हो गया है, देख रहे हैं। और इस रोड में देख सकते हैं ये सब लाइट वाला है, ये कोतवाली मार्ग है। चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो लगभग 331 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और जिसमें विंध्य धाम का विस्तारीकरण हो रहा है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, अब ज़्यादा काम बचा नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर जो रास्तों को एक कलर में पेंट किया जा रहा है, चाहे मकान हो चाहे दुकान हो, सभी को एक कलर में पेंट किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है चैत्र नवरात्र नवमी में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। ये देखें यहाँ पर लाइट्स पोस्ट दिए हुए हैं, अब पत्थर माच के एकदम स्मूथ कर दिया गया है। सामने कोतवाली विंध्याचल जिला मिर्जापुर, यहाँ से दाहिनी आप देखेंगे रास्ता वो चला जाता है दीवान घाट के लिए। अगर मंदिर जाना है तो आपको बाएं घूमना होगा। यहाँ देखिए मलबा हटाने का काम चल रहा है, अभी पावर ट्रैक। और अभी टाइम की बात करें, अभी 4:44 हो रहा है 16 मार्च 3 शनिवार। यहाँ देखिए मलबा ही हटाया जा रहा है, लाइन चालू है। चलिए टाइम मैंने दिखाता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, जैसे ही आप कोतवाली गली के एंडिंग पॉइंट पाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ता मिलेगा। एक ये बाएं तरफ देख रहे हैं ये रैंप है, यानी दिव्यांग बुजुर्ग लोग जो व्हील चेयर से जाते हैं उनके लिए व्यवस्था दिया गया है और जो सीढ़ी चढ़ सकते हैं उनके लिए ये रास्ता दिया गया है। ये अच्छी बात है कि लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार के यहाँ पर व्यू है। ये सामने जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये आपकी है एंट्रेंस प्लाजा, जो भी श्रद्धालु है उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। और देखें कुछ इस प्रकार का यहाँ पर रास्ता है, ये रैंप आ रहा है ऐसे घूमते हुए, वैसे होते हुए ये ऐसे चला जाएगा आगे, ये पूरा पैक कर दिया जाएगा अभी। और देख सकते हैं अभी नक्काशी काम जोरों शोरों से चल रहा है।
यहाँ देखेंगे आप इस प्रकार का लोहे का पत्थर लगा दिया जा रहा है। लोहा इस पर पत्थर लगा के बराबर एकदम कर दिया जाएगा इसको। और इस पर देखेंगे अभी हरियाली ध्यान रखा गया है, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इसमें 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 करके पूरा। और बैकअप है तो देखें यहाँ पर दो बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और एक बड़ा सा जेनसेट लगा हुआ है। अभी जेनसेट का एग्जॉस्ट का पाइप ऊपर लेके जाया जा रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। ये देख रहे हैं इसका धुआं निकलने के लिए अलग से पाइप जोड़कर इस सेट करके इसको ऐसे बाहर निकाला जाएगा। चलिए अंदर चलते हम लोग दोस्तों, अगर आपको व्यू दिखाते हैं पूरा। ये पत्थर देख रहे हैं, खासियत यह है ग्रेनाइट तो है लेकिन ये ऐसा ग्रेनाइट के दो प्रकार का है। ये देखिए पूरा चिकना है, ये खुरमुद्रा है ताकि कोई स्लिप ना करे इस पर। और सबसे अच्छी बात यह है जैसे ही आप एंट्रेंस प्लाजा में एंट्री करेंगे आपको जो व्यवस्था देखने मिलेगा, देखिए यहाँ पर इस बिल्डिंग में पानी पीने की व्यवस्था, जेंट्स टॉयलेट, वुमेंस टॉयलेट और भी कई सारी सुविधाएं जो आपको इस प्लाजा में देखने मिलेगी। और सबसे गंदी बात वो दिखाता हूँ मैं आपको, जो लोग यहाँ पर करते हैं वही गुटखा खाकर थूकना। ये देख रहे हैं गुटखा खा के पूरा थूक दिए हैं इधर, मतलब कोना मिलना चाहिए उनको अपना गंदगी करने के लिए। बाकी इधर देखिए आप इस साइड देख रहे हैं, कोना मिला गुटखा खा के थूक दिया, बल्कि यहाँ पर गुटखा थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना भी है। इसके बावजूद भी लोग जुर्माना देने तैयार लग रहा है। ये जो देख रहे पत्थर लगा ना, ऐसा पत्थर लगा देखिए, ये इस पर भी लाइट लगेगा, वाटर प्रूफ लाइट लगेगा। देखिए यहाँ पर लग भी गया, टेप लग गया इस पर, रात में भी एकदम नज़ारा दूध होने वाला है। ये देख रहे हैं यहाँ से परिक्रमा पथ स्टार्ट होता है, ये दिखाता हूँ मैं आपको सामने माँ विंध्यवासिनी का दरबार, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। अभी देखिए साफ सफाई काम चल रहा है, देख रहे हैं जो पत्थर लग गया मतलब साफ करने में वो साफ किया जा रहा है यहाँ पर। यह है परिक्रमा पथ 50 फीट की चौड़ाई में है। दोस्तों जो परिक्रमा पथ देख रहे हैं इसमें कुल ये पिलर ऐसे देख रहे हैं, कुल 130 पिलर है जिस पर यह अष्टकोणीय परिक्रमा पथ तैयार किया गया है। और वर्तमान स्थिति की बात करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर फिनिशिंग काम चल रहा है, यानी देख रहे हैं साफ सफाई काम चल रहा है। बाकी कॉरिडोर लगभग तैयार हो चुका है पूरा। ये देख रहे हैं मंदिर, और यहाँ मंदिर का शिखर। अब पहले बताएं तो ये सब मकान दुकान अतिक्रमण करके पूरा यहाँ तक इतना तक हो गया था बस, ये पूरा मकान दुकान थे पूरे। अब साफ करके काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब चलिए इस कॉरिडोर की लागत की बात कर ले आपसे। माँ विंध्यवासिनी मंदिर को भव्य रूप देने के लिए लगभग 331 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 15,67,00,000 की लागत से पुरानी वीआईपी मार्ग का कायाकल्प किया गया है, 19,41,00,000 की लागत से 2 मंजिला 50 फीट परिक्रमा पथ तैयार किया गया है, और वीआईपी गली की लागत 6,52,00,000 रुपये है, और 9,02,00,000 की लागत से पक्का घाट गली और 2,35,00,000 की लागत से कोतवाली रोड का कायाकल्प किया गया है। चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं पक्का घाट वाला रास्ता टाइम रैप में। दोस्तों वहाँ विंध्यवासिनी मंदिर पहुँचने के लिए कुल 4 प्रमुख मार्ग है, जिसमें पुरानी वीआईपी गली, थाना कोतवाली न्यू वीआईपी, पुरानी वीआईपी और पक्का घाट गली है। और यहाँ देख सकते हैं ये सामने ये है गंगा द्वार,
सभी द्वार पर भव्य गेट बनाया गया है और यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको और नज़ारे, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों सामने देख सकते हैं ये है पक्का पुल, जिसे शास्त्री पुल के नाम से जाना जाता है और यह अपनी जो लाइफ पूरी कर चुका है और वाराणसी या फिर कहें आप प्रयागराज से आने वालों के लिए ये एक प्रमुख पुल होता है और ख़राब स्थिति होने के कारण एक नया पुल बनाया जा रहा है जिसके लिए इसी माह नितिन गडकरी जी आए थे और इस साइड नया ब्रिज बनेगा 6 लेन का, जिसके साथ 15 किलोमीटर का मिर्ज़ापुर बाईपास बनाया जाएगा जिसकी लागत 1750 करोड़ रुपये है और यहाँ से आपको काफ़ी सुंदर ब्रिज देखने मिलेगा 6 लेन का गंगा ब्रिज, जो कि स्टार्ट होगा पुर्जा गिर चौराहे से, एंडिंग होगा करमपुर पहाड़ी के ठीक पहले। ये भी अपडेट देना था मुझे इसी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों विंध्य कॉरिडोर का निर्माण राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है और परिक्रमा पथ का काम लगभग पूरा हो चुका है, फिनिशिंग काम चल रहा है बस। और दोस्तों विंध्याचल कॉरिडोर कोई बाहरी गंदा नहीं करता, यहीं के पंडे करते हैं। सामने देखिए रेड रंग का जो ड्रेस पहने हैं, चाय पिए, यहाँ देखिए पुरवा फेंक के चले गए, समझ रहे हैं? ये देखिए सामने, तो कहते हैं ना बाहर को गंदगी नहीं करता है, यहीं के लोग गंदगी करते हैं, पान थूकना, गंदगी करना। CCTV कैमरा अगर निगरानी ठीक से की जाए तो इसको ध्यान दिया जा सकता है। ये दोस्तों परिक्रमा पथ का प्रथम तल है, जैसे तो ऊपर फॉल्स सीलिंग हो गया और ये सब जो देख रहे हैं ये है आपका फायर फाइटिंग सिस्टम। ये देखिए पूरा फर्स्ट फ्लोर तैयार कर लिया गया है। विस्तार सफाई करना बाकी है, बाकी काम कंप्लीटेड है। अभी दोस्तों परिक्रमा पथ के हम छत वाले एरिया पे आ गए हैं जहाँ से पुराना नज़ारा देखने मिलेगा आपको। देख रहे हैं यहाँ पर कितना भव्य नक्काशीदार बनाया गया है, यहाँ पर काम देख रहे हैं। काम एकदम जोर शोर से चल रहा है और आगे सोलर पैनल भी लगाया जा रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सामने देख रहे सोलर पैनल लगाया जाएगा, पूरा इंट्रेस प्लाजा लगाया जा रहा है। ये यहाँ से कॉरिडोर देखिए आप कितना भव्य लग रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग दिखाते हैं आपको न्यू VIP गली टाइम रैप में, इसलिए टाइम रैप के कम समय दिखाना रहता है, ठीक है? दोस्तों यह है न्यू VIP मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, भव्य गेट बनाया गया है यहाँ पर और ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर शौचालय बनाया जाएगा और जो भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी उनके रहने का व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था है। और शौचालय तक जाने के लिए पूरा रैम बनाया गया है साइड से, ठीक है? दोस्तों सामने आप देख सकते हैं माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म UP ने देखा तो इंडिया ने देखा। और बता दूं आपको कि 671 परिसंपत्तियाँ खरीदी गई हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और इस पर 96 करोड़ पर खर्च किए गए थे। प्रोजेक्ट देखिए लगभग बन के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।